ऑफिस. यू कैन सी माई क्यूरियोसिटी. आई एम टेकिंग वीडियोज एंड फोटोज लाइक अ डेस्परेट पर्सन एंड एवरीबडी इज वेरी कॉमनली रोमिंग अराउंड ओवर हेयर. आई हैव कलेक्टेड दिस पास एंड दिस विल गेट एक्टिवेटेड आफ्टर 24 आवर्स. आई एम एट जिग्नी कैंपस बेंगलुरु. सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन घर से दूर किसको अच्छा लगता है. खाना तो साउथ इंडियन ही मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन कैंपस देख के मज़ा आया और पहली बार ऑफिस आके अच्छा लगा. सब कुछ अच्छा है, बस ये है कि चश्मा लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा. अभी तो निकाले हैं. लेट्स गो टू द कैफेटेरिया एंड लेट्स सी दैट व्हाट्स देयर इनसाइड. एवरीथिंग इज पेड हियर. इट इज़ अ कॉमन कैफेटेरिया. इट्स अ ह्यूज कैफेटेरिया बट यार कितना भी सोना चांदी दे दो, अपना यूपी तो अपना ही है ना. सिर्फ एक ही झरना चल रहा है तो वो मैं आप सभी को दिखा देती हूँ. देखिए ये ऊपर से भी इसका लुक बहुत अच्छा था. मैं नीचे आके सोची एक बार देख ही लूँ. आप सभी को क्लोज लुक दिखाती हूँ. जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस फाउंटेन. इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस एंड पीसफुल. इसी के 6th फ्लोर से मैं इस झरने को देख रही थी तो मैं इसके पास आ गई. कितना भी इंग्लिश आ जाए लेकिन ओरिजिनल इंसान तो वही है ना जो अपनी ओरिजिनलिटी को ना छोड़े. तो अपने देसीपन को नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा ओरिजिनल रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, एकदम गोरखपुरी जैसा. Visiting HCL office for the first time, the Jigni campus, and everybody is looking at me that I am desperately making videos and taking photos, but they don't know that I am doing it for my YouTube channel, I'm just doing it to make a vlog of my first visit at HCL Tech. I am not that desperate but I am looking desperate right now. Everything is very common for me but still I am looking desperate, so let me look
What's wrong in that? Such a big thing, huh? I'm smiling away from my home, away from my loved people, huh? I'm alone over here. What can we do, huh? जैसे मजदूर लोग आते ना गांव छोड़ छोड़ के शहर में कमाने, वैसे ही तो हम लोग भी हैं, अलग तरह के मजदूर हैं वो. हम लोग गोरखपुर जैसे शहर से बड़े सिटी बैंगलोर आए हैं कमाने, और लेकिन कॉमन तो वही है ना, कमाने ही तो आ रहे हैं हम लोग भी. बस हम लोग का लेवल थोड़ा थोड़ा अच्छा है, लेकिन काम तो वही है ना, सब कुछ वही है. ऑफिस आने का सबसे बढ़िया कारण ये रहता है कि यहाँ पे हम लोग कितना वॉक करते हैं ना, एक टावर से दूसरे टावर, तीसरे टावर, इतना वॉक हो जाएगा कि इनडाइजेशन होगा ही नहीं. तो सबसे बेस्ट थिंग है वर्क फ्रॉम ऑफिस का कि हम लोग इतना चलते फिरते हैं ना कि वर्कआउट की ज़रूरत नहीं पड़ती है एक्स्ट्रा, ऐसे ही हो जाएगा. और हेल्थ भी अच्छी रहेगी, चलते फिरते रहेंगे, थोड़ा एक्टिव रहेंगे. और घर पे क्या है, बैठे रहो एक ही जगह, ना तैयार होना है ना कुछ, बस एक जगह बैठ के काम शुरू कर दो. दिमाग सिर्फ काम कर रहा है, फिजिकली हम लोग काम नहीं करते हैं घर पे बैठ के. तो ये काफ़ी अच्छा है वर्क फ्रॉम ऑफिस का. सबसे अच्छा ये कि इतना चलना हो जाएगा कि हेल्थ इश्यूज़ अच्छी रहेंगी. ये एक अच्छा बेनिफिट है यहाँ पर. एक बात मैं बता सकती हूँ आप लोग को, अगर आप लोग भी किसी और शहर से बैंगलोर आ रहे हैं तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर हिंदी समझते नहीं हैं और वो लोग कुछ और रिप्लाई करते हैं. उनको हिंदी समझ में ही नहीं आता, इंग्लिश ही समझ में आता है, और उनकी भाषा हम लोग को नहीं समझ में आती है, शायद तेलुगु बोलते हैं वो लोग. लेकिन खाने की क्वालिटी यहाँ ये चीज़ कह सकते हैं, जो लोग को ज़्यादा स्पाइसी खाने से दिक्कत होती है या जैसे कि, तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाता है कोई. बहुत हर चीज़ में थोड़ा सा भी स्पाइस ज़्यादा हो जाएगा ना तो दे स्टार्ट कंप्लेनिंग. सो दिस इज़ गुड फॉर पीपल हु डोंट लाइक स्पाइसी थिंग्स. बट या friends I have made in one day only.